धार जिले के मनावर में लाडली बहना योजना के लिए पंजीयन जारी है। मनावर नगर परिषद में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के दौरान टेक्निकल समस्या भी आ रही है, जिसकी वजह से लाडली बहनों को परेशान होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 25 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर तकनीकी समस्या की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धार के मनावर नगर परिषद कार्यालय में यूजर योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहां 1000 रुपये प्रतिमाह लेने के लिए लाडली बहनें सुबह से शाम तक लाइनों में लग रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तकनीकी समस्या के समाधान को लेकर पहले ही अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। इस मामले में खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता मयंक साधु ने नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार से बात की, जिसमें उन्होंने जल्द ही समस्या के समाधान होने की बात कही है। मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुउद्देशीय योजना लाडली बहना सिर्फ केवाईसी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण आज यहां पर भारी भीड़ लगी हुई है। कई महिलाएं देख सकते हैं आप परेशान हो रही है, और इसका उपाय अब तक शासन नहीं कर पाया है कि टेक्निकल इश्यूज होने पर क्या ऑफलाइन फार्म नहीं भरे जा सकते, क्या ऑफलाइन सबमिशन नहीं हो सकता। हम अंदर आएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है और नगर पालिका में महिलाएं परेशान हो रही है, और आखिरकार कब और किस प्रकार से इनकी सुनवाई होगी। लाडली बहना योजना में जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और उसके कारण जो महिलाओं को परेशानी हो रही है, उसके निराकरण की और क्या समुचित व्यवस्था है, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अजय पाटीदार जी। सर, क्या अगर समस्याएं टेक्निकल आ रही है तो उसके लिए कोई विशेष उपाय आपकी तरफ से? टेक्निकल समस्याएं आ रही है, पोर्टल चल नहीं रहा, उसके लिए हमने नगर पालिका में 10 लड़के अभी ऐसे जो मोबाइल से KYC करके उनके ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऐसे 10 लड़के रखे हैं, और सुबह 8 बजे से उनको हम भेज रहे हैं डोर टू डोर, और उसके बाद रात 9 बजे तक हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को असुविधा नहीं हो, इसलिए डोर टू डोर भेज के हम उसका निराकरण करवा रहे हैं। मनावर से मयंक साधु की रिपोर्ट।